पैन कार्ड डाउनलोड करना अब आधार कार्ड के जैसे ही बहुत ही आसान हो चुका है। अब आप जितनी बार चाहे ऑनलाइन पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड किया गया डिजिटल पैन कार्ड फिजिकल पैन कार्ड के जैसे ही पूरी तरह से वैलिड है, इसको आप जहां चाहे यूज कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन पैन कार्ड डाउनलोड करने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने NSDL से पैन कार्ड बनवाया है या पैन कार्ड में करेक्शन कराया है तब आप इस पोर्टल से पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने UTI पोर्टल से पैन कार्ड बनवाया है या पैन कार्ड में कोई करेक्शन कराया है तब आप UTI पोर्टल से ही पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही पोर्टल से पैन कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है और साथ ही फीस भी आपको बिल्कुल सेम ही देनी होगी। जब आप एक नया पैन कार्ड बनवाते हैं या उसमें करेक्शन कराते हैं तो उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर आप 3 बार बिल्कुल फ्री में पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और 30 डेज के बाद आपको पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए ₹8.26 का पेमेंट करना होगा। तो पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए इसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, इसमें अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे, अपना मंथ ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें आप अपना ईयर ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, इसके बाद कंसेंट देने के लिए यहाँ पर टिक करेंगे, इसके बाद ये कैप्चा फिल करेंगे आई एम नॉट ए रोबोट, और इसके बाद सबमिट करेंगे। इस पैन कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक है वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपको एक OTP चाहिए तो OTP आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और दोनों पर मंगा सकते हैं। जैसे कि मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर पर मंगाना है तो यहां पर मैं इसको टिक करूंगा, इसके बाद कंसेंट देंगे और जनरेट OTP। पैन कार्ड के साथ आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहां एंटर करेंगे, इसके बाद वैलिडेट, इसके बाद आपको फीस पे करनी है तो आप यहां कंटिन्यू करेंगे। किस तरह से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं ₹8.26 आपको पे करना होगा। नीचे टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट, इसके बाद पे कंफर्म। पेमेंट गेटवे पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आप इस QR कोड को स्कैन करके डायरेक्ट पे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको UPI से पे करना है तो आप यहां UPI पर क्लिक करेंगे, इसमें आप अपनी UPI आईडी एंटर करेंगे, इसके बाद प्रोसीड। जिस UPI एप्लीकेशन का आपने UPI आईडी यहां पर एंटर किया है उसमें आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पे नाउ पर क्लिक करके अपना UPI पिन एंटर करके आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पेमेंट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसको आप रिफ्रेश नहीं करेंगे। पेमेंट अपडेट होने के लिए आपको इस पेज पर थोड़ी देर वेट करना होगा और इसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेस, नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आप यहाँ जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपकी पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। इसको आप अपने रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड करके रख सकते हैं और पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने पेमेंट किया है और अभी ईमेल आईडी पर पैन कार्ड आ गया है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको पैन कार्ड अटैच मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। ये PDF फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है तो इसमें आप पासवर्ड एंटर करेंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड है तो आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, इसके बाद सबमिट। और इस तरह से आपका डिजिटल पैन कार्ड आपके सामने आ जाएगा। डिजिटल पैन कार्ड फिजिकल पैन कार्ड की तरह ही पूरी तरह से वैलिड है, इसको आप जहां चाहे यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप ऑनलाइन अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।